अगर आप शिव पार्वती गौरी शंकर भोलेनाथ के खड़े रूप में दीदार करना चाहते हैं और वे भी अष्ट धातु के भव्य प्रतिमा में, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जिला हमीरपुर के सुजानपुर में इस भव्य एवं अलौकिक प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुजानपुर के 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टिहरा गौरी शंकर मंदिर की। महाराजा संसार चंद द्वारा स्थापित इस मंदिर का इतिहास अपने आप में भव्य एवं अलौकिक इतिहास है। सदियों पहले महाराजा संसार चंद ने अष्ट धातु से निर्मित 5 से 6 फुट ऊंची लंबी खड़ी भगवान गौरी शंकर शिव पार्वती की भव्य प्रतिमा की स्थापना टिहरा मंदिर प्रांगण में करवाई थी। नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना यहाँ पर करना उनका दैनिक कार्य में शुमार था। पौराणिक मान्यता के अनुसार उत्तरी भारत में केवल टिहरा के गौरी शंकर मंदिर में ही ऐसी भव्य एवं अलौकिक प्रतिमाएं मौजूद हैं जहां शिव पार्वती एक साथ खड़े रूप में विराजमान है। बहुमूल्य संपदा की ये अलौकिक भव्य प्रतिमाएं देखने में ही हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। मंदिर में भगवान साक्षात विराजमान हैं, इसके कई साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मंदिर में भगवान के रहने की व्यवस्था, शयन कक्ष, गर्भगृह, तमाम चीजें आज भी विराजमान है। मंदिर प्रबंधक एवं संरक्षक से अनेकों ऐसे प्रमाण मुखारविंद सुने जा सकते हैं। भगवान को गर्मी ना लगे इसके लिए वातानुकूलित व्यवस्था मंदिर में की गई है। सर्द मौसम में ठंड न लगे इसके लिए हीटर की व्यवस्था करवाई गई है। इसके साथ साथ मंदिर की भव्य प्रतिमाओं की प्रतिदिन साज सज्जा, वस्त्र बदलने से लेकर स्नान आदि करवाने का कार्य नित्य प्रतिदिन होता है। भगवान भोलेनाथ को श्वेत चंदन और माता पार्वती, जिसे यहाँ गौरी देवी का रूप माना जाता है, लाल चंदन का श्रृंगार उन्हें करवाया जाता है। कांगड़ा शैली पर आधारित इस मंदिर में भगवान गौरी शंकर का साक्षात वास है। इसके साथ साथ मंदिर के चारों तरफ अन्य भगवान की छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजमान हैं। प्राचीन काल के वाद्य यंत्र यहाँ पर आज भी बजाए जाते हैं। मंदिर में विशेष पूजा का प्रबंध किया गया है। मंदिर प्रांगण में भगवान शंकर पिंडी रूप में विराजमान है। हवन कुंड के साथ साथ मंदिर बनाने वाले कारीगर, जिनके हाथ महाराजा द्वारा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कटवा दिए गए, उनकी प्रतिमा यही मंदिर के बाहर विराजमान है। मंदिर प्रबंधक एवं संरक्षक सुरेश दीक्षित की माने तो मंदिर में दृढ़ इच्छा शक्ति, सच्चे मन से जो भी मांगो वे मिलता है, वे केवल मात्र विश्वास करने की बात है। मंदिर की पूजा पाठ है, सुबह 4 बजे मंदिर खोल दिया जाता है। उसके बाद इनके स्नान वगैरह जो भी पूजन वगैरह होता है वो विधि अनुसार किया जाता है। सुबह तो आरती होती है और शाम के भी समय में भी पूजा अर्चन संध्या की जाती है, और शाम के समय आरती आरती वगैरह होती है, और आरती के उपरांत संध्या इनको भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद इनको 9 बजे के लगभग इनके मंदिर सीजे लगाकर मंदिर को बंद कर दिया जाता है। सुबह उठ के भगवान का स्नान वगैरह करके चंदन चंदन लगाया जाता है। सफेद चंदन भगवान भोलेनाथ को बनाया जाता है और माता के लिए लाल चंदन बनाया जाता है, और इनका रोज स्नान कराने के बाद इनके रोज वस्त्र बदले जाते हैं। माता जी का श्रृंगार किया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद पूजा अर्चना आरती वगैरह सब की जाती है। और भगवान हमारा ये विचार है और भगवान की भी ऐसी ये मनोकामना है, जो भी इनसे सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है, जो मांगता है उसे वो फल मिलता है। और मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि भगवान में अपनी आस्था बनाए रखें। उधर मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर संरक्षक सुरेश दीक्षित के बेटे अंकुर दीक्षित ने बताया कि महाराजा संसार चंद ने मंदिर निर्माण कार्य करवाया था। विधिवत पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान गौरी शंकर की भव्य प्रतिमाएं यहां स्थापित करवाई गई। खड़े रूप में भगवान गौरी शंकर एक साथ उत्तरी भारत में केवल यहीं पर देखने को मिलते हैं। अष्टधातु की बहुमूल्य मूर्तियां यहाँ पर विराजमान है जो देखने योग्य हैं। देवेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तो मैं अंकित दीक्षित, पुत्र श्री सुरेश कुमार दीक्षित, मंदिर पुजारी टीरा। तो ये जो
मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, भगवान गौरी शंकर जी का मंदिर है। तो ये जिला हमीरपुर में, सुजानपुर जो तहसील है, यहाँ से 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ये महाराजा संसार चंद द्वारा स्थापित नगरी है। यहाँ पे उन्होंने अपनी जो, जैसे हमने अपने घर में एक पूजा स्थल बनाया होता है, तो उसके लिए ये मंदिर की स्थापना की थी। तो जैसे हम दैनिक पूजा सवेरे शाम जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये अपनी दैनिक नित्य कर्म पूजा करते थे। तो स्थापना जो इस मंदिर की हुई, तो ये महाराजा संसार चंद के समय में ही, मतलब 350 की। ये जो मंदिर है ये कांगड़ा शैली पर आधारित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ की पेंटिंग है, जो चित्रकला है, ये बहुत ही पुरानी है। अभी तक वैसे ही जैसे उस समय बनाई गई थी, वैसे ही सजीव रूप में, जैसे ऐसा लगता है कि सजीव है, तो अभी तक भी वैसी की वैसी ही है। और ये सन 1905 के भूकंप के कारण खत्म हो गई। प्रमाण पाए जाते हैं इसी कारण। आप देख सकते हैं कि भगवान के लिए ये शयन की व्यवस्था भी गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में की गई। रात्रि जो है इन प्रमाणों के आधार पर ही प्रति रात्रि भगवान के लिए जो है शैया का प्रबंध यहाँ पे मंदिर के गर्भगृह में किया गया है। और इन प्रमाणों के कुछ आधार देखने में इस प्रकार मिले हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए थे, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो वो फिर से भगवान गौरी शंकर का धन्यवाद करने के लिए ये आते रहते हैं। आए थे और आते रहते हैं।